मान लीजिए आपको इश्क भी चाहिए और रिस्क भी, मगर ये इश्क और रिस्क दोनों अलग अलग पैकेज में आते हैं, तो आपको एक चूज करना है। मे बी आप इश्क लिए जाते हैं और पैकेज खोलते हैं और आपको दिखता है कि वहाँ पे इश्क भी है और रिस्क भी, तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाता है और सोचते हैं कि क्या बात है। हाय, मैं अभी दिल्ली डेट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले एक प्रोडक्ट की, मतलब उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और ओवरव्यू करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा थंबनेल देख के, हाँ बिल्कुल, ये एक डिजिटेक रिंग लाइट है 19 इंच वाला। तो रिंग लाइट आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है। आप यूट्यूब में हो या फिर आप शॉर्ट वीडियोस की या फिर आप फोटोग्राफी करते हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, तो रिंग लाइट एक वरदान की तरह है कि जो लोग सोलो काम करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं कर पाते, तो उनके लिए काफी यूजफुल है। तो ये जो वीडियो है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटेक रिंग लाइट आपको देखने को मिलेगा वो नया है और यहाँ पे वो डिफरेंट है। जो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे रिंग लाइट के ऊपर, तो वहां पे आप लाखों व्यूज मिलेंगे, मगर वहां पे जो रिंग लाइट आपको दिखाया जा रहा है ये वाला नहीं है आपको दिखेगा, ठीक है, ये बिल्कुल नया है। तो क्या इसमें नया है आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए इसको पहले, इस बॉक्स को अगर पहले देखते हैं, तो ये बॉक्स मुझे इस तरह का मिला, तो कुछ अलग सा बॉक्स में नहीं भेजा गया, डिजिटेक का जो बॉक्स है उसी में भेजा गया, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि ये डैमेज भी हो सकता था, डैमेज हल्का सा था पैकेट। तो यहाँ पे आप बॉक्स की तरफ अगर ध्यान दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग लाइट भी है, यहाँ पे रिमोट भी दिया गया है। तो यहाँ पे आता है असली मुद्दे की बात, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंट है। यहाँ पे आपको पता है कि डिजिटेक का जो रिंग लाइट्स आते हैं 18 इंच का, 19 इंच का भी आता है, मगर वो आपको शायद मिलेगा ही नहीं, मतलब पूरे साल वो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो 18 इंच आपको मिल जाता है और बहुत लोग वही खरीदते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि दो वेरिएंट आते हैं, एक आपको एसी डीसी के साथ आता है, मतलब वहाँ पे आप पावर के साथ चला सकते हैं और वहाँ पे आप बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको पावर आउटलेट ना मिले या फिर पावर ना हो, मगर वो जो मॉडल है आपको वहाँ के रिमोट नहीं मिलेगा, मतलब आप वायरलेसली आप वहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे बार बार उठ के जो रिंग लाइट है वहाँ से ही आपको कंट्रोल करना पड़ता है ब्राइटनेस या फिर टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर। मगर उसका जो एक अलग वेरिएंट आता है जहाँ पे आपको रिमोट मिलता है, वहाँ पे आपको एक अलग कन्वीनियंस मिलता है, आप दूर से ऑपरेट कर सकते हैं, लाइट को कम और ज्यादा कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मगर वहाँ पे आपको बैटरी नहीं मिलता, मतलब डीसी जो ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो जगह पे आप शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको पावर आउटलेट नहीं है, तो आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगा, राइट। और फिर आप रिमोट भी चाहते हो, तो ये दोनों अब जो नए मॉडल्स हैं वहाँ पे आते हैं। तो ये जो मॉडल है आप देख सकते हैं बॉक्स पे आपको लिखा गया है कौन सी यहाँ पे बैटरी सपोर्ट करता है, हालांकि बैटरी के साथ तो नहीं आता है, मगर आप खरीद सकते हैं अलग से ये बैटरी, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है और साथ में आपको यहाँ पे रिमोट मिलता है। तो ये मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लगा इस नया मॉडल का। तो मैंने कहा ना यहाँ पे इश्क भी है और रिस्क भी दोनों हो गए, पता है ये एग्जाम्पल मीनिंगफुल नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं ये अगस्त का पैकेजिंग है, अगस्त 2021, तो लेटेस्ट है। यहाँ पे प्राइस भी 5995 जो पहले से लिखा होता था, पहले भी इतनी प्राइस में तो नहीं बिकता है, काफ़ी कम में बिकता है, फिर भी जो भी है वो भी मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी पे रहते हैं, आपको वहीं पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना, पहले ट्राई करना कि आपको शायद बहुत कम में मिल सकता है ये प्रोडक्ट। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन से मंगा लिया, और जिनको ऑनलाइन से खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर लेना। फिलहाल तो है, आगे चल के रहेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, तो फिलहाल ये सेल हो रहा है। तो प्लीज अगर खरीदना है तो उस लिंक से परचेज करना, तो थोड़ा सा इस चैनल को हेल्प मिलेगा, आपको ऑफर सारे मिलेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डिजिटेक की जो 18 इंच या फिर 19 इंच की जो रिंग लाइट आते हैं उसके साथ आपको एक कैरी बैग मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ देख सकते हैं इस तरह का बबल रैप पे मोड़ के इसको भेजा गया है, और इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज भी आते हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे। चलिए बैग को हटाते हैं और देखते हैं। तो पहले आपको एक बुकलेट मिल जाता है, मतलब मैनुअल, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आपको बॉल हेड मिल जाता है, जो कि आपको अगर कैमरा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए। यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है जो कि डिसेंट क्वालिटी का है। फिर आपको एक पावर एडाप्टर मिल जाता है, जो कि पहले इस तरह का पावर एडाप्टर आता नहीं था, तो अगर पावर फ्लैक्चुएट करेंगे तो आपको आपकी जो रिंग लाइट है वो सेफ रहेगा। तो यहाँ पे 15 वोल्ट 75 वाट का ये पावर एडाप्टर है, क्वालिटी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर ठीक ठाक है, चल जाएगा। बात करें इसकी केबल की, तो केबल थोड़ा सा छोटा है, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, पहले लंबे लंबे आते थे, पता नहीं यहाँ पे कॉस्ट कटिंग क्यों किया। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर यहाँ पे उतना बड़ा तो नहीं लगा मुझे 19 इंच का। यहाँ पे आपको ये अपने जो फ़ोन है वो माउंट करने की यहाँ पे
दिया गया है माउंट। तो बात करें इसके डायमेंशन जो है, आपको बताने के लिए थोड़ा सा आइडिया, तो 30 सेंटीमीटर का स्केल है, तो अंदर की जो डायमीटर है वो 33 सेंटीमीटर का और बाहर का जो है वो 44 ऑलमोस्ट। तो इसकी जो लुक है वो पहले जो 18 इंच का आता था तो उससे थोड़ा सा ये थिन है, मैंने वो थोड़ा सा मोटा है मगर छोटा है, तो 18 इंच से थोड़ा सा ये बड़ा लगता है, मगर एक्चुअली जो बेस है ना जो रिंग का वो थोड़ा सा इसको थिन बना दिया गया है। यहाँ पे आपको ये सेंसर मिल जाता है जिसके थ्रू रिमोट ऑपरेट होता है यहाँ पे। तो क्वालिटी बहुत मुझे पसंद नहीं आया, थोड़ा सा चीप लगा, जिस प्राइस में ये आता है उस तरह का नहीं लगा। प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है लगता है, अगर गिर जाए तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देख सकते हैं बैटरी कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको बैटरी भी मिल जाता है और रिमोट कंट्रोल भी ऑप्शन भी है, तो ये दो ऑप्शन है मैंने बताया था, तो ये अलग अलग आते थे, अभी इस मॉडल पे आपको दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए पीछे की तरफ जो कंट्रोल है उसको उस पर नज़र देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है आप इसके थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे 5500 के तक का दिया गया है, हालांकि बॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा गया था 6500 का, पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा गया है। तो इसके थ्रू आप इसको यहाँ पे जो नॉब है यहाँ पे आप ऑफ ऑन कर सकते हैं और जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको USB दिया गया है जिसके थ्रू आप फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो इसको घुमाएंगे तो इसको टिल्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, तो अच्छी बात है। चलिए जो मोबाइल फ़ोन होल्डर है तो उसको थोड़ा सा लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ये जो माउंट है मोबाइल फ़ोन का जो है काफ़ी मतलब रोटेट होता है किसी भी एंगल में, तो इसको आप 6 प्लेस में रख सकते हैं, मतलब प्लेस कर सकते हैं 6 तरीके से, तो ये अच्छी बात है। नीचे की तरफ आपको 3 प्लेस दिया गया है जहाँ पे इसको आप माउंट कर पाएंगे, अपनी फ़ोन को माउंट कर पाएंगे। फिर जो रिंग है ना उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं, साइड में ऊपर और फिर आप लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपको ये बॉल हेड मिल जाता है जो अगर आप कैमरा लगाना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन नहीं तो उसके लिए ये अच्छी बात है, तो ये भी दिया गया है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी हेवी है, मेटल है, मेटल का बना हुआ है, तो काफ़ी क्वालिटी ये मुझे पसंद आया। तो ये भी आप 6 तरीके से मतलब 6 प्लेस में आप इसको प्लेस कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो चलिए इसको पावर देते हैं, तो यहाँ पे आप सॉकेट को लगाएंगे और फिर ये आप पावर आउटलेट में लगा दीजिए और ये ऑन हो जाएगा। ब्राइटनेस की बात करें तो 55 वाट लिखा गया है, तो उस तरह का तो ब्राइटनेस मुझे लगा नहीं। तो पीछे की तरफ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, पता नहीं कैमरा में आपको शायद उतना पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि कैमरा कभी कभी लाइट एडजस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस मतलब अच्छा है। बात करें रिमोट की तो रिमोट से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप यहाँ पे रिमोट के थ्रू इसकी जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो मुझे बहुत ये अच्छा लगा, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। ये काफ़ी कन्वीनियंट है, आप दूर बैठे हुए हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से दूर से बैठे टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, तो मुझे इस मॉडल का ये अच्छा लगा कि आप बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिमोट भी। तो इसके बारे में और भी बातें हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए मेरे साथ, और जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है प्लीज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी जो ऑफर्स है सारे ऑफर्स आपको मिलेंगे, बस चैनल को थोड़ा सा हेल्प होगा, तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं।